Now, slavery, as you must be knowing, is a thing of past because बहुत सारे कन्वेंशन हम डिस्कस करेंगे वो कन्वेंशन अप टू 1998, 1926 से चालू होके 1998 तक, इफ आई रिमेम्बर इट राइटली, बहुत सारे कन्वेंशन आए जिसने की स्लेवरी को कंप्लीटली बैन कर दिया और उसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में डिफाइन किया सो दैट द कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग ऑफ स्लेवरी कैन बी अंडरस्टूड. लेकिन आज भी द ट्रूथ इज दैट स्लेवरी एग्जिस्ट, आज भी कंप्लीटली एबॉलिश नहीं कर पाए हैं. देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ स्लेवरी विच हैज सर्फेस्ड. तो हम ओल्ड फॉर्म ऑफ स्लेवरी और न्यू फॉर्म ऑफ स्लेवरी के ऊपर जो बड़ा डिस्कशन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट आज हम कोशिश करते हैं टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज स्लेवरी, व्हाट इज द नोशन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्लेवरी. ठीक है ना, तो जो टाइप्स ऑफ स्लेवरी है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज बेसिकली स्लेवरी, स्लेवरी क्या है, कोई मुझे बता सकता है? We'll start definitely with the article that it is a violation of Article 4 of the Universal Declaration of Human Rights, which says that no one shall be held in slavery or servitude. Slavery and slave trade shall be prohibited in all their forms. सर, किसी के विलिंगनेस के बिना उससे जबरदस्ती अपने हिसाब से एक्ट करवाना. हाँ, ये स्लेवरी है, 100% है ये स्लेवरी, है ना? तो इस चीज को जो है बैन करने की बात की गई थी, है ना? तो इसमें बहुत सारे डेफिनेशंस या स्टेटसेस आते हैं. अगर हम टर्म्स देखें तो स्लेवरी को अगर एक लेमन अंडरस्टैंडिंग में, अभी सिर्फ हम ये लेमन अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करें, तीन तरीके के वर्ड्स यूज किए जाते हैं, स्लेवरी, सर्विट्यूड और सर्वाइल. ये तीन स्टेटस यूज किए जाते हैं, मोर और लेस दे मीन द सेम, बट फिर भी थोड़ा समझ लेते हैं. स्लेवरी कहा जाता है ए कंडीशन ऑफ हैविंग टू वर्क वेरी हार्ड विदाउट प्रॉपर रेम्यूनरेशन और एप्रिसिएशन. ठीक है, तो इस ये जो डेफिनेशन है ये एक बहुत बेसिक डेफिनेशन है स्लेवरी की, और ये डेफिनेशन जो है टेक्निकली स्लेवरी डिफाइन नहीं करता, बट एक जनरल सेंस में स्लेवरी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है. इसके साथ साथ दो टेक्निकल डेफिनेशंस और ऐड किए गए और टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स या नोशंस को और यूज करते हैं जब भी स्लेवरी को डिफाइन करते हैं. उसमें कहते हैं सर्विट्यूड. तो सर्विट्यूड कहा जाता है द स्टेट ऑफ बीइंग अ स्लेव और कंप्लीटली सब्जेक्ट टू समवन मोर पावरफुल. नाउ दिस आल्सो टॉक्स अबाउट द एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन. तो एक एटीट्यूड क्रिएट कर लेना किसी से, है ना, ये जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस पे भी एप्लीकेबल है, विच इंक्लूड्स मैरिज एज वेल, जिसमें कि यू ट्रीट अनदर पर्सन, जो आपका स्पाउस है या जो आपके घर वाले हैं, कोई इस तरीके के भी रिलेशंस में कभी कभार पाया जाता है, जिसमें कि आप, जैसे कि मैं, मतलब ऐसे तो हम लोग बहुत सारे मीम्स और मजाक बनाते हैं, जोक्स बनाते हैं कि शादी के बाद आदमी स्लेव बन जाता है या दिस एंड दैट, बट सच्चाई ये है कि जिन घरों में, मैं अगेन हस्बैंड और वाइफ की बात नहीं कर रहा, जस्ट इमेजिन दैट कि किसी के घर में कोई एक बच्चा है जो कि उनके घर का नहीं है, उनके रिलेटिव्स का है, ठीक है, और उससे जब हम बहुत ही सौतेला व्यवहार करते हैं और वी मेक हिज और हर लाइफ वेरी ट्रबलसम, या किसी के घर में कोई मौसी है या कोई बुआ है या कोई है कोई चाचा है, कोई मामा है, जो शायद काम नहीं करते हैं और आपके घर पे रहते हैं और आप उनके साथ बेहद बुरा बर्ताव करते हैं और सामने वाले का एटीट्यूड भी सर्विंग वाला एटीट्यूड या स्लेवरी वाला एटीट्यूड हो जाता है, जिसको कि हम कहते हैं ऑफ कंप्लीट सब्जुगेशन. ठीक है, तो ऐसे केसेस को कहा जाता है सर्विट्यूड, है ना? तो ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशन पे एप्लीकेबल होता है. इसी तरीके से कभी कभार सर्वाइल वर्ड भी यूज किया जाता है. जो सर्वाइल है वो भी बेसिकली अ बिहेवियर ऑफ स्लेव को ही डिफाइन करता है, तो हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिव विलिंगनेस टू सर्व और प्लीज अदर्स. तो ये भी जो है ये बहुत सारे रिलेशंस में देखेंगे, खासकर
एंड आई मे बी वेरी क्लियर विद दिस अंडरस्टैंडिंग सो दैट यू अंडरस्टैंड की सर्वाइव स्टेटस किस चीज को डिफाइन करता है बेसिकली. आपने देखा होगा नेता और नेताजी के चमचे, ठीक है ना, भैया जी स्माइल वाले लोग. तो ये जो लोग होते हैं दे आर बेसिकली हैविंग दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्वाइव, ठीक है. ये सारी की सारी चीजें जो है एक सर्वाइव स्टेटस को डिफाइन करती है. तो ये जो एक्सेसिवली प्लीज करने की आदत है, ये विलिंगनेस टू सर्व एंड प्लीज अदर्स वाला जो है एटीट्यूड है, ये भी ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट में होता है, ठीक है ना. तो इस तरीके के बिहेवियर्स को भी जो है ठीक नहीं माना जाता. अगेन जैसे मैंने आपको बोला था कि ये सारी की सारी चीजें जो है बहुत ही वेस्टर्नाइज्ड कॉन्सेप्ट है. हो सकता है कि ईस्टर्न कॉन्सेप्ट्स में इनको इतना बुरा नहीं माना जाए, है ना. बट आपने देखा होगा हमारे देश में ऐसे स्टेटस कुछ लोगों के होते हैं. मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया, पर ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ढूंढ सकते हैं जिसमें कि आपने लोगों का विलिंगनेस टू सर्व है ना और प्लीज अदर्स बहुत ज्यादा होता है. और वो देख के लगता है कि यार ये थोड़ा सा मतलब डिग्निटी से जीना या तो जीने दे नहीं रहे सामने वाला, या आप जीना चाह नहीं रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रीजन और द अदर. तो ऐसी चीजों को सर्वाइव कहा जाता है. तो चाहे वो स्लेवरी हो, चाहे सर्विट्यूड हो या फिर सर्वाइव हो, ये सारी की सारी चीजों को जो है डिफाइन किया गया है अलग अलग कन्वेंशन में. जब हम 1926 से लेकर 1998 के कन्वेंशन को पढ़ेंगे तो उसमें आप और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे. तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये स्लेवरी या स्लेव अंडरस्टैंडिंग को डिफाइन करती है और इसको कंप्लीटली बैन करने की बात की गई है या बैन. और इसको देखिए ये यूनाइटेड नेशंस के या UDHR के पहले से चल रहा है. It has started since 1926, if you see, है ना? मैं अभी डेटास पे आऊंगा. But दुखद मतलब जो दुख की बात है वो ये है कि it has still not been abolished and our country is considered as the slave capital of this world. Can you imagine this? है ना? हमारे देश में आज भी बहुत सारे लोग हैं, which includes migrant workers and जिसको आप कहते हैं कि डेड बॉन्डेज में है, बॉन्डेड लेबर्स है वो बॉन्डेड लेबरर्स हो या डेड बॉन्डेज में हो या माइग्रेंट वर्कर्स हो, देयर स्टेटस इज कंसिडर्ड एज दी कंसिडर और इज अंडरस्टूड एज द कंडीशन ऑफ स्लेवरी, ठीक है. और ये बहुत दुखद स्थिति है. और मैं आपको एक चीज और बोलता हूं इस टॉपिक को पढ़ाते हुए, इसमें मैं आपको बहुत स्ट्रेटली एक ही पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा कि ये खत्म होना चाहिए. इसमें कोई उस तरफ और इस तरफ की कहानी नहीं है, ठीक है. ये बहुत क्लियर है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए. आप कितना भी एक स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करते हैं या दूसरे स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करते हैं, बट आप इसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते अनलेस you are a person who is having the profits from them. अगर आप एक ऐसे जगह पर हैं जिसमें कि ये profits earn करके दे रहा है आपको, एक उसी जगह पे, वो भी आप आंख मूंद लेते हैं, support नहीं कर पाते, आंख मूंद लेते हैं. But the truth is that this is something which has to be completely abolished. और जो new form of slavery है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं, वो इससे भी ज्यादा भयंकर है. इट्स इवन मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. मतलब इट्स नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इट्स डिफिकल्ट टू टेक, दैट इज द थिंग. चलिए अगर हम स्लेवरी की बात करें तो है क्या स्लेवरी? इज बेसिकली और वॉज, क्योंकि स्लेवरी हैज बीन एबॉलिश्ड है ना, तो स्लेवरी वॉज एन इंस्टीट्यूशन बट इज ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशन, है ना. मैं वॉज भी बोल रहा हूँ और इज भी बोल रहा हूँ. क्यों बोल रहा हूँ मैं इसके बारे में आता हूं. और ये इंस्टीट्यूशनलाइज एक्सप्लॉयटेशन है और ये एक इंस्टीट्यूशनलाइज सोशल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी है. जैसे मैंने आपको जेनोसाइड पढ़ाते हुए बोला या अपार्थिड पढ़ाते हुए बोला, इसी तरीके से स्लेवरी भी जो है ये एक सोशल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, इसमें कोई दो मत नहीं है. थर्ड थिंग, इट टारगेट्स द ऑनर एंड डिग्निटी और इनफैक्ट डिमिनिशेस the honor and dignity of an individual because उसमें कोई भी honor या dignity नहीं है, ठीक है.
और ह्यूमन बीइंग्स की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है रिस्पेक्ट, उसको ये टार्निश करता है. तो दिस इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम ऑफ स्लेवरी दैट इट एक्चुअली टारगेट्स एंड डिमिनिशेस द डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ एन इंडिविजुअल. इंसान को इंसान मानते ही नहीं है, मैं आपको भी केसेस बताता हूं. एंड इट ऑल्सो इज एन इंस्टीट्यूशन और वे ऑफ ओनिंग समबडी, है ना. आप में से किसी ने कभी ये लाइन सुनी है किसी से, आई डिसओन यू. नेटल एलियनेशन जो है बर्थ राइट्स को कहा जाता है. अगर मैं आपको बताऊं तो नेटल एलियनेशन के लिए ये जो है पैटरसन कहते हैं दी दैट ऑल स्लेव्स एक्सपीरियंस व्हाट पैटरसन कॉल्स नेटल एलियनेशन, मीनिंग दे आर डिनाइड द राइट्स ऑफ बर्थ. राइट्स ऑफ बर्थ का बर्थ राइट का सबसे पहला बर्थ राइट होता है कि यू आर फ्री, है ना. लेकिन मैं आपको एक तरीके का स्लेवरी बताऊंगा जिसमें कि पीपल आर बोर्न एज स्लेव्स, दे लिव एज स्लेव्स एंड दे डाई एज स्लेव्स, सो दैट If they have given birth to a baby, है ना? जैसे वैसा नहीं कि स्लेव शादीवादी नहीं करते थे, शादीवादी भी करते थे, उनके बच्चे भी होते थे, वो क्या होते थे, फिर से स्लेव बन, ऐसी चीजें भी होती थी. तो उन्होंने कहा कि बर्थ राइट ही नहीं होता है जिसके पास, उसको स्लेव कहा जाता है. और तीसरी चीज जो कही वो है दैट दे वर ऑलवेज डिप्राइव्ड ऑफ ऑनर, है ना, कि उनके पास कोई भी ऑनर या डिग्निटी नहीं होती थी. वो हम कहते भी है ना कि बहुत बार बहुत सी औरतें हमारे देश में जो है गुस्सा होके नाराज होके ये कहती भी हैं कि आपने अपने घर में एक नौकरानी पाल ली है, सच्चाई है, ठीक है ना. और ये हस्बैंड्स को या उनके घर के मेंबर्स को सुनने को मिलता है कि आप मुझसे ऐसी ऐसे काम करवाते हो या ऐसी मतलब इस तरीके से मुझे ट्रीट करते हो कि मुझे लगता है कि मैं एक इंसान नहीं, एक जानवर हूं या फिर एक स्लेव हूं, है ना. तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, या ये जो व्यथा है हमारे देश में महिलाओं की जो स्थिति को वर्णन करती है, इसको भी कहा जाता है डिप्राइवेशन ऑफ ऑनर. और ऑनर और डिग्निटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है ह्यूमन लाइफ के लिए, ये आप सब समझ सकते हैं. तो अगर इस तरीके का एक्सप्रेशन आ रहा है तो इट इज बेसिकली एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्लेवरी, ठीक है. तो पैटरसन ने जो है इन तीन चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट माना कि हम इसको कह सकते हैं द नोशन ऑफ एनस्लेवमेंट, ठीक है. नाउ इफ वी गो टू बेल्स एंड रॉबिन्स, जिनकी स्टडी बहुत रिनाउंड स्टडी है, वो कहते हैं कि स्लेवरी की कंडीशन को डिफाइन करने में ये तीन फैक्टर्स होते हैं. और वो मोर और लेस अगर आप देखें तो क्वाइट मिलते जुलते हैं पैटरसन से. पहला, कंट्रोल बाय अनदर पर्सन, तो ये आपने देख ही लिया, बेसिकली ओनरशिप है ना. तो जो ओनरशिप है वो किसी दूसरे पर्सन के पास है, तो जो कंट्रोल होगा वो भी उसी पर्सन के पास होगा जो आपको ओन करता है ना. तो ये पहली कंडीशन. दूसरा, ओनर अप्रोप्रिएट्स द लेबर पावर ऑफ द स्लेव, मतलब कि जैसे भाई जैसे मैं बीमार पड़ गया, मैंने यूनिवर्सिटी से छुट्टी मांगी, यूनिवर्सिटी मुझे छुट्टी दे सकती है, या मैं काम पे नहीं गया तो मैंने फिर छुट्टी का एप्लीकेशन दे दिया, या मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, मैं बोल सकता हूँ सर मैं ये नहीं कर सकता, ठीक है ना. स्लेव्स के साथ ऐसा नहीं होता. स्लेव्स कितना काम कर सकते हैं, 8 काम कर सकते हैं, 10 काम कर सकते हैं, 12 काम कर सकते हैं, 15 काम कर सकते हैं. वो कौन डिसाइड करेगा, जो उसका ओनर होगा. वो आप नहीं डिसाइड कर सकते. जैसे आपने बोला कि आप ये काम नहीं कर सकते, फिर थ्रेट ऑफ वायलेंस चालू हो जाएगा, ठीक है ना. तो आपकी कोई बुद्धि ही नहीं रह जाएगी. आपको जो है इंसान से एक एनिमल बना दिया जाता है और आपसे बहुत ज्यादा काम करवाया जाता है, ठीक है ना. ये जो वर्क लॉज आए हैं अभी, कल मेरे ख्याल से 1st of May है, आज तो 30th of April है, और अप्रैल में 30 ही दिन होते हैं जितना मुझे याद है, तो फिर कल 1st of May है. तो 1st of May को जो मे दिवस मनाया जाता है, तो वो किस लिए मनाया जाता है. वो इसीलिए मनाया जाता है कि जो दुनिया के मजदूर हैं, है ना, कार्ल मार्क्स ने ये कहा भी था कि जो दुनिया के मजदूर हैं वो सारे के सारे एक हों और अपने राइट्स के लिए लड़े,
और इसी कारण से आज ऑल ओवर वर्ल्ड किसी से भी कोई भी 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाता। अगर काम करवाता है तो उसको वो एक तो वॉलेंट्री होता है और दूसरा उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट्स भी मिलते हैं। हालांकि अगेन इट इज ऑन पेपर्स, कहीं कहीं पे ऐसा नहीं मानते हैं बट मोस्टली ज्यादातर जगहों पे मानते हैं, दिस इज द ट्रूथ। तो ये क्यों किया जाता है? सो दैट कि पीपल शुड नॉट फील एनस्लेव्ड, और या फिर वो एनस्लेव्ड अंडरस्टैंडिंग है जिसके द्वारा जो है किसी से इतना काम करवाया जाता है। जैसे आई हैव डिस्कस्ड विद यू गाइस बिफोर एज वेल दैट मेनी कंट्रीज हैव नाउ कम टू 3 एंड 4 डे अ वीक पैटर्न, है ना। जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं उसमें अगर आप देखें तो 3 और 4 डे अ वीक का कॉन्सेप्ट आ गया है, वो 5 डे पे भी अब नहीं है। हमारे देश में जब 5 डे आया वो भी बाहर से ही आया, तो इसके प्रति बहुत लोगों ने बहुत वो भी किया, अपोज भी किया कि दिस विल हैव लेस प्रोडक्टिविटी। लेकिन और अभी भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस और फैक्ट्रीज जो हैं 6 डे अ वीक पे काम करते हैं, काम चलवाते हैं, और बहुत सारे में जो है ओवर टाइम्स का कॉन्सेप्ट है। और ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट जो है वो अपने आप में भले ही आपको कोई बोले कि वो हायर पेइंग है, लेकिन वो हायर पेइंग से भी ज्यादा क्या होता है, वो एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो पीपल नीड टू गेट प्रॉपर रेस्ट इन ऑर्डर टू फंक्शन, ये चीज अभी भी समझ में नहीं आता है, स्पेशली जो कैपिटलिस्ट अंडरस्टैंडिंग से आते हैं या जिनके लिए प्रॉफिट मेकिंग इज द ओनली वर्च्यू, है ना। एंड इट हैज क्रिएटेड मतलब वर्ल्ड वाइड जिसे कहना चाहिए वेव्स रिपल्स कि हम इतना काम नहीं कर सकते। लेकिन ऑन द अदर हैंड देर आर एग्जाम्पल्स लाइक जापान, जहां पे कि लोग अपना प्रोटेस्ट शो करते हैं ओवर वर्किंग करके और ओवर प्रोडक्शन करके। तो ऐसी भी चीजें हैं एंड सो ऑन। बट ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव से ये कहा जाता है कि एक सर्टन काम ही या इतना ही काम करवाया जाना चाहिए। तो दिस इज द थिंग। लेकिन जब अगर हम स्लेवरी के फॉर्म में बात करें तो स्लेवरी में जो है थ्रेट ऑफ वायलेंस बहुत यूज होता है ना। और वायलेंस भी यूज होता है, मारकुटाई तो होती है, उसका थ्रेट जो है वो उससे भी ज्यादा हमेशा ही दिमाग में बना रहता है, पता नहीं कुछ गलती हो जाए और मैं पिटने लग जाऊं, है ना। दिस इज द थिंग, कुछ गलती हो जाए और मुझे मारा पीटा जाए। और फिर वो मारते भी ऐसे नहीं थे कि एक थप्पड़ मार दिया जैसे हमने एक छोटे बच्चे को थोड़ा सा डराने धमकाने के लिए हल्का सा मारा, गए ऐसे मत करो, है ना। उनको जानवरों की तरह पीटते हैं, मतलब ऐसे मुझे पता नहीं जानवरों को भी ऐसे पीटते हैं कि नहीं पीटते हैं, लेकिन इनको जरूर पीटा करते थे या आज भी पीटते हैं कुछ फॉर्म्स में, मैं आऊंगा उस पर, ठीक है। अब अगर स्लेवरी की हिस्ट्री देखी जाए तो इट इज एज ओल्ड, इट इज नॉट समथिंग विच इज अ न्यू फेनोमेनन, ये चिरकाल से और आदिकाल से चलता आ रहा है। इसको 3 फॉर्म्स में मोटे तौर पे देखते हैं। चौथा फॉर्म जो है ये थोड़ा सा नया फॉर्म है, थोड़ा सा नया है बट स्टिल इट इज अ पार्ट ऑफ एंशियंट वर्ल्ड एज वेल। पहले को कहते हैं एंड्रोपोडॉन। एंड्रोपोडॉन वो होते थे जिनको कि वॉर में पकड़ लिया, है ना, जिसको कि हम प्रिजनर्स ऑफ क्या कहते हैं, प्रिजनर्स ऑफ क्या कहते हैं, अरे मैं भूल ही गया, व्हाट इज सर इट, वॉर प्रिजनर्स कहते हैं सर। वॉर प्रिजनर्स, वॉर प्रिजनर्स। तो ये जो वॉर प्रिजनर्स होते हैं यही स्लेवरी में फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो ये फ्री मैन होते ही नहीं थे, 12 ईयर्स अ स्लेव या 14 ईयर्स अ स्लेव में भी इस तरीके की चीजों को दिखाया गया है कि कुछ लोग फ्री होते हैं और कुछ लोग एनस्लेव्ड होते हैं। तो उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो वॉर प्रिजनर्स होते हैं, ये एक केस हुआ करता। दूसरा होता था ओइकिक्स। ओइकिक्स तो हाउस होल्ड, डोमेस्टिक सर्वेंट्स एंड स्लेव्स, ठीक है। तो इनकी स्थिति थोड़ी सी बेटर होती थी लेकिन बेटर होती नहीं, और कितनी बेटर होती थी, और न्यू फॉर्म ऑफ स्लेवरी और ओल्ड फॉर्म ऑफ स्लेवरी को जब डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। बट दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज अ वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक प्रोपोजिशन, क्योंकि बहुत काम करना पड़ता था, ठीक है। तीसरा कहते हैं डूलोस, यानी कि शैटल स्लेवरी। ये वो लोग हैं जो कि बॉर्न एज स्लेव्स, लिव एज स्लेव्स एंड डाई एज स्लेव्स, और ये कोई भी काम करते हैं सुबह से लेके शाम तक, पेड़ से नारियल तोड़ने से लेके खाना बनाने से लेके बाजार करने से लेके गड्ढा खोदने से लेके, मतलब सुबह शाम, मतलब कोई भी काम करवाना है तो इन से करवाओ, ठीक है ना। इनको शैटल स्लेवरी का एग्जाम्पल लिया जाता है। मैं आता हूँ, बेल्स एंड रॉबिन्स में भी है इसका पूरा वो, तो सारे फॉर्म्स ऑफ स्लेवरी पढ़ेंगे अभी हम थोड़ा। और एक जो थोड़ा सा नया फॉर्म ऑफ स्लेवरी डेवलप होना चालू हुआ उसको कहते हैं डेड बॉन्डेज या मैनी सीपिया या मैन सीपिया। ये होता है बेसिकली कि आपने किसी से पैसे ले लिए तो आप कर्जे में आ गए,
फिर कर्जा तो आप उतार नहीं सकते जिंदगी में, क्योंकि जो सूद लगता है वो कभी भी पेएबल नहीं होता, है ना। तो वो पता चलता है कि इस तरीके से उसमें सूद लगता है कि आपने 2,000 रुपए लिया, आपके ऊपर 20 करोड़ रुपए सर पे आ गए। कहाँ जो 2,000 रुपए कर्ज लेना वो 20 करोड़ रुपए दे सकता है या 20 लाख रुपए दे सकता है। तो फिर वो क्या करता है, काम करता है, फिर उसके बच्चे भी काम करते हैं, फिर उनके बच्चे भी काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरे परदादा ने जो है कर्ज लिया था उनसे, ठीक है। तो इस तरीके की स्लेवरी भी जो है, और ये हमारे देश में भी एक बहुत बड़ी दिक्कत हुआ करती थी, है अभी भी, और काफी काम उनसे भी करवाया जाता था। तो एंशियंट वर्ल्ड से लेके मिडिवल वर्ल्ड से लेके मॉडर्न वर्ल्ड तक स्लेवरी हैज ऑलवेज बीन द थिंग, और ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है इसलिए बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर डिप्राइव्ड ऑफ एंड स्ट्रिप्ड ऑफ देयर डिग्निटी, है ना, क्योंकि उनको ह्यूमन बीइंग्स माना ही नहीं जाता है इन बेसिस। अब बेल्स ने जो है 6 तरीके की स्लेवरी के बारे में बात करी, जो कि एंशियंट से लेके जब तक स्लेवरी को हमने कंप्लीटली एबॉलिश करना करने का नहीं सोचा तब तक पाई जाती थी, यानी कि 20वीं शताब्दी के मध्य तक, है ना, दी टिल दी मिड ऑफ दी 20th सेंचुरी। इफ यू सी द होल वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इन टू फ्रीमैन एंड स्लेव्स, ठीक है, और उसकी झलकियां आज भी आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड दिखती है। और ये स्लेव ट्रेड का ही नतीजा है कि इंडियंस वेस्ट इंडीज से भी खेलते हैं, इंग्लैंड से भी खेलते हैं, कौन से देश से नहीं खेलते फॉर दैट मैटर। आप ज्यादातर देशों की क्रिकेट टीम देख लीजिए, उसमें कोई ना कोई इंडियन खेला ही है, इंडियन ओरिजिन का, ठीक है ना। तो उनके दादा परदादा जो हैं वो स्लेव ट्रेड में गए थे वहां मोस्टली। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, आपको जान के अचंभा होगा, हमारे देश के लोग हर देश में पाए जाते हैं, और कहीं ना कहीं, मतलब एक्सेप्ट फॉर फ्यू कंट्रीज जिसमें कि उतना संभ्रांत अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ज्यादातर देशों में हमको एनस्लेव करके रखा गया था, मतलब यहां से डिपोर्ट करते थे लोगों को इन द नेम ऑफ लेबरर्स, ठीक है ना। और आज भी होता है। मैं आपको एक चीज और बताऊं, मुझे बोलने में और देखने में भी बहुत दुख हुआ था। व्हेन आई वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम टू एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दैट वाज डेफिनेटली दिल्ली इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी T3 में, तब तो T2 था, T3 भी नहीं था। तो वहां पे मैं गया, तो भाई मुझे तो एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए बाहर जाना था, तो और मुझे एक अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई विदेश जा रहे हैं, है ना, तो थोड़ा खुशी भी होता है कि विदेश जाना पड़ रहा है या जा रहे हैं, तो जो सबसे अच्छे कपड़े थे वही पहने थे, और पता भी है कि भाई एयरपोर्ट में तो बड़े बड़े लोग ही ट्रेवल करते हैं। तो जब मैं एयरपोर्ट में गया तो मुझे एक सच्चाई पता चला कि एयरपोर्ट में, और खास करके इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, और खास करके जब फ्लाइट दुबई की जाती हो और इधर की जाती हो और उधर की जाती हो, मैं नाम लेना चाहता, तो आपको सिर्फ बड़े लोग नहीं नजर आते, और इनफैक्ट बड़े लोग बहुत कम होते, ठीक है। ज्यादातर लोग वो लोग होते हैं जो कि वहां पे वर्कर्स हैं, और वहां पे उनकी कंडीशन लेबरर्स की है। चैटल स्लेवरी, डेट बॉन्डेज, कॉन्ट्रैक्ट वॉर, चिल्ड्रन एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स, और रिचुअल एंड रिलीजियस, ये 6 टाइप की स्लेवरीज बताई थी। शैटल स्लेवरी अगर मैं आपको बताऊं, तो शैटल स्लेवरी जो बेल्स एंड रॉबिन्स बोलता है, वो बोलता है इस तरीके की स्लेवरी को, जो कि सबसे कॉमन स्लेवरी हुआ करती है। मैंने पता नहीं, वो किसी भी काम, कोई भी काम करते थे, जैसे कहते हैं ये इट इज द ओल्डेस्ट स्लेवरी, ठीक है ना। अ पर्सन इज बॉर्न और सोल्ड इन टू सर्विट्यूड एंड ओनरशिप ऑफ अनदर। बेल्स क्लेम दैट दिस टेक्स प्लेस मोस्ट कॉमनली इन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न अफ्रीका एंड इन द मिडिल ईस्ट, बट रिप्रेजेंट्स अ रिलेटिवली स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल स्लेव पॉपुलेशन। ये क्योंकि कुछ भी करते हैं तो ये एक अलग टाइप के हैं, थोड़े से कम है लेकिन फिर भी कोई भी काम करते, ठीक है। इसके बाद आता है डेट बॉन्डेज, आप समझते ही हो कि किसी से उधार ले लिया, फिर जिंदगी भर उसको पूरा नहीं कर सकते, आपका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, सब स्लेव बन गए। कॉन्ट्रैक्ट स्लेवरी, न्यू फॉर्म ऑफ स्लेवरी, दिस इज द न्यूएस्ट फॉर्म ऑफ स्लेवरी जो आ रहा है, ये जिसका मैंने एग्जाम्पल लिया, ये भी कॉन्ट्रैक्ट स्लेवरी वाला है, ठीक है ना। और जो पूरा का पूरा स्किन ट्रेड है ना, जो पूरा का पूरा प्रोस्टिट्यूशन है वर्ल्ड में फैला हुआ, ठीक है, ऑल ऑफ दिस इज बेसिकली ए पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्लेवरी, जिसमें नॉट ओनली चिल्ड्रन एंड वेमेन
जिनको की ट्रैफिक किया जाता है, ये एक प्रॉब्लम है. बट इवन पीपल लाइक दीज, जिनको यहां से तो उठा के लेके गए वहां पे और सपने भी दिखाए, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो दिन में दोनों टाइम खाना भी खाए, या उसको इतना पैसा देते नहीं, और उसके जो भी पैसा देते हैं वो घर भेजना पड़ता है, क्योंकि इतना ही देते हैं कि घर बेच के घर वाले कम से कम जिंदा रहें, वो तो वहां पे किसी भी तरीके से जिंदा है, ये स्थिति है. ठीक है, इसके बाद वॉर स्लेवरी, आप ये भी समझते हो कि जिनको भी वॉर स्लेवरी यानी कि उनको पकड़ा आपने, तो वो भी जो है स्लेवरी करते थे. अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, और वो रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपके घर में कोई बाई आती है या कोई पुरुष आता है कार्य करने के लिए, कोई भी डोमेस्टिक सर्वेंट है आपके पास, तो कृपया करके उसके बच्चे को सर्वेंट ना बनाए, ना ही उसको सर्वेंट की तरह डील करें. ठीक है, वो बच्चा है. आपकी काम वाली बाई अगर अपने साथ अपना बेटा या अपनी बेटी लेकर आ गई, उसको क्या करते हैं? अच्छा मुन्ना, अच्छा मुन्नी, अच्छा गुड्डू, अच्छू गुड्डा, छोटू है, जरा ये लेके आ, लेकर ये बना दे, इसको कर, यही करते हैं ना. और छोटे बच्चे जो है बहुत सारे लोगों के घरों में जो है डोमेस्टिक सर्वेंट्स भी हैं, और उससे भी बुरी स्थिति हमारे घरों में है, हमारे देश में है, जहां पे कि हर चाय की दुकान में एक छोटू होता है, जैसे कि हम खूब काम कराते हैं, वो बेचारे बर्तन मांजता है, वो कपड़े धोता है, वो पता नहीं क्या क्या करता है, ठीक है ना, खाना देता है. ये एक फॉर्म ऑफ स्लेवरी है जिसको कि बहुत स्ट्रिक्ट हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम इसको रिपोर्ट भी करें, ठीक है ना, और उनको खत्म करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, मतलब उन लोगों को नहीं, वो स्लेवरी. और मैं आपको इंडिया में तो इसके और भी एग्जांपल्स मिलते हैं, जो हमारे देश में ये क्रैकर्स बनाने की कंपनीज हैं या मैचस्टिक बनाने की कंपनीज हैं, जो ज्यादातर शिवकाशी में है, वहां पे ज्यादातर चिल्ड्रन लेबरर्स हैं, ठीक है ना, चाइल्ड एज लेबर्स, चाइल्ड लेबर है. हालांकि चिल्ड्रन राइट्स में इसके बारे में बात करूंगा, इससे ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, बट इसको रोकने की बहुत जरूरत है. अगरबत्ती बनाने की कंपनीज में भी जो है इन लोग बहुत काम कर रहे हैं छोटे बच्चे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड समथिंग विच मे नॉट बी नोन टू यू, ये रिचुअल या रिलीजियस स्लेवरी क्या होता है, कोई बताएगा, या कभी किसी ने सुना है रिलीजियस या रिचुअल? हाँ सर, वो जैसे कभी मतलब चेले होते हैं जो गुरु के, की बात कर रहे हो आप? नहीं, और कोई एनीबडी एल्स जो जानता हो कि रिलीजियस या रिचुअल स्लेवरी क्या होता है? ये भी हमारी भारत में पाया जाता है. एनीबडी हु नोस? सर, डेडिकेटेड टू देयर रिलीजन, और वो अपनी पूरी लाइफ उसके लिए डिवोट कर देते हैं. वो स्लेवरी क्यों हुई? तो पंडिताई हुई सर, रिलीजियस बिलीफ के ऊपर जो कोई काम करवाता है लोगों से, मतलब तो काम कर रहा है ना फोर्सफुली, क्या काम? नहीं सर, कोई एक सुप्रीम रिलीजियस लीडर टाइप हो, उसके लिए, उसके लिए मतलब विलिंगनेस हो बहुत, या विलिंगनेस है सर. I have seen in a film that in Purani Kaal mein to they used to girls to they used to get dedicated, like few of the girls of the same family, like jo jo wo parivar se aata hai, jo ladki un parivar se aata hai, wo temple ko dedicate karte hai, like they are dedicated to the, so that they do not marry and their life services are meant for God or something, they would be like that. Is that devdasi ka concept jo hai na, आप लोग, मुझे पता नहीं आप लोगों ने कभी सुना है कि नहीं सुना है, देवदासी का जो कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोग देवदासी हुआ करते थे एक जमाने में. दे आर नथिंग बट सेक्सुअल स्लेव्स ऑफ द रिचुअलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग. इन सम अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज, गर्ल्स और यंग विमेन आर प्रेजेंटेड एज स्लेव्स टू लोकल प्रीस्ट, यूजुअली एज सम काइंड ऑफ अटोनमेंट फॉर सिंस कमिटेड बाय देयर फैमिलीज. To appease the gods, the virgin girl becomes the domestic servant and sexual slave of the priest until he frees her.